दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डीएमआरसी द्वारा पार्किंग शुल्क में की गई बढ़ोतरी की बीते सोमवार को आलोचना करते हुए कहा कि यह अन्याय कदम तथा हाल ही में किराए में हुई बढ़ोतरी दिल्ली मेट्रो को पूरी तरह खत्म कर देगा। मुख्यमंत्री ने कहा इस कदम से शहर की सड़कों और भीड़भाड़ और प्रदूषण बढ़ेगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी ने विभिन्न स्लैब में पार्किंग शुल्क में 50% बढ़ोतरी की घोषणा की है। केजरीवाल ने ट्वीट किया, पहले तो किराए में बढ़ोतरी और अब पार्किंग शुल्क में बढ़ोतरी। यह कदम दिल्ली मेट्रो को पूरी तरह खत्म कर देगा और शहर की सड़कों पर भीड़ बढ़ाएगा तथा इससे प्रदूषण में बढ़ोतरी होगी। दिल्ली की शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी डीएमआरसी की आलोचना करते हुए कहा कि भगवान ही जानता है कि डीएमआरसी को कौन सलाह दे रहा है। जैन ने ट्वीट किया, मेट्रो ने पार्किंग शुल्क 50% बढ़ा दिया, इससे पहले 100% बढ़ोतरी हुई थी। भगवान जानता है कि दिल्ली मेट्रो को कौन सलाह दे रहा है। कार, बाइक और साइकिल के पार्किंग शुल्क में हुई वृद्धि 1 मई में से प्रभावी होगी। डीएमआरसी ने पिछले साल के अंत में मेट्रो किराए में बढ़ोतरी की थी। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।